दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कैसे महापद्मानंद ने मगध पर कब्जा करके नंदा डायनेस्टी की स्थापना की, जिसके बाद कैसे उनके बेटे धनानंद हमेशा ही शराब और अहंकार के नशे में डूबा रहता था और अपनी प्रजा से हर एक छोटी बड़ी चीज़ों पर टैक्स वसूलता था। लेकिन इसी समय के दौरान ग्रीक का शासक अलेक्जेंडर यानी सिकंदर सारे विश्व को जीतता हुआ अब भारत की सीमा पर पहुँच चुका था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप पहले ज़रूर से उस वीडियो को देख लेना। तो आज के इस वीडियो में हम इसके बाद की कहानी जानेंगे, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंदा डायनेस्टी के समय में उत्तरी भारत बहुत ही अशांत था और इसी समय में सिकंदर उत्तरी भारत की सीमा तक पहुंच चुका था। उस वक्त उत्तरी भारत में दो बड़े महाजनपद थे जो थे कंबोज और गांधार, और वहां की राजधानी थी तक्षशिला, और वहां के राजा थे आम्बी जो कि एक बहुत ही अय्याश शासक था, जिसका फायदा उठाकर सिकंदर ने तक्षशिला पर आक्रमण कर दिया। और तक्षशिला पर आक्रमण के डर से वहाँ के राजा आम्बी ने सिकंदर की अधीनता स्वीकार कर ली और ये अखंड भारत में सिकंदर की पहली जीत साबित हुई। और आम्बी यही नहीं रुका और उसने सिकंदर से कहा कि आप आगे बढ़िए और आगे सिंध के राजा पूरस को हराने में हम आपका साथ देंगे, जिसके बाद सिकंदर ने पूरस पर आक्रमण कर दिया, जिसमें पूरस की सेना सिकंदर पर हावी हो चुकी थी। लेकिन पूरस को हराने में सबसे बड़ा हाथ खुद भारत के राजा आम्बी का था, जिसने सभी जरूरी जानकारी सिकंदर को दिया और इस तरह से पूरस के युद्ध में हार हुई। और पूरस को जब युद्ध के मैदान में हराया गया तब सिकंदर की सेना ने पूरस को रथ से घसीटकर सिकंदर के सामने खड़ा किया और सिकंदर ने पूरस से कहा कि तुम अपने घुटने टेक दो और मैं तुम्हारी ज़िंदगी बख्श दूंगा, जिसमें पूरस ने कहा कि नहीं चाहिए हमें ऐसी थूकी हुई ज़िंदगी, हमें किसी के भीख में नहीं पलना। और इसे सुनने के बाद सिकंदर पूरस से बहुत ही खुश हुआ और सिकंदर ने पूरस से कहा कि हम तुम्हें एक राजा की उपाधि देते हैं और तुम्हारा सब कुछ तुम्हारी वीरता को देखकर लौटा देते हैं, बदले में तुमसे सिर्फ एक ही चीज़ मांगते हैं कि जब हम आगे मगध की ओर आक्रमण करेंगे तो तुम हमारी मदद करना। और पूरस को न चाहते हुए भी सिकंदर का साथ देना पड़ा और अब सिकंदर की नज़र मगध पर थी। लेकिन इसी समय के दौरान तक्षशिला के आचार्य चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, वो इस वक्त मगध में आए थे धनानंद को समझाने कि अगर सिकंदर मगध में घुस गया तो आर्थिक विद्रोहन करेगा और आने वाली पीढ़ियों को भी बर्बाद कर देगा, आप इसे संभालिए वरना बहुत परेशानियों का सामना करना होगा। लेकिन इस बीच धनानंद शराब के नशे में था और उसने चाणक्य की चोटी पकड़कर उन्हें बाहर फेंकवा दिया और इसी बीच चाणक्य की चोटी खुल गई और अब धनानंद के सामने चाणक्य को बहुत ही गुस्सा आया। और तभी चाणक्य ने ये कसम खाया कि तुमने मेरी शिखा भूली है, अब इसे तब तक नहीं बांधेंगे जब तक तुम्हारा समूल नाश ना कर दे। जिसके बाद चाणक्य वापस तक्षशिला लौट आए, जहाँ उन्होंने अपने सबसे प्रिय शिष्य जिनका नाम था चंद्रगुप्त, जिन्हें उन्होंने हर प्रकार के शास्त्र सिखाए, और सिकंदर से लड़ने के लिए तैयार किया। जिसके बाद चाणक्य और चंद्रगुप्त सिकंदर की सेना में एक अफवाह फैलाने लगे कि जो भी व्यास नदी को पार करेगा तो आगे भारत की मुख्य भूमि शुरू हो जाती है और भारत देवताओं की भूमि है, और अगर यहाँ कोई युद्ध की नीति से आता है तो बहुत ही भयंकर बीमारियों का शिकार होता है और इनकी मृत्यु हो जाती है। और इसी बीच चाणक्य ने चंद्रगुप्त को एक गुप्तचर बनाकर सिकंदर की सेना में भेज दिया और चंद्रगुप्त सिकंदर की सेना के खाने में जहर मिलाकर देने लगे और वो इस अफवाह को फैलाने में भी कामयाब हो गए, जिससे सिकंदर की सेना डर कर भारत से लौट गई। और इसके बाद 323 BCE में बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु हो गई और इस तरह से चाणक्य की पहली नीति सफल हुई। लेकिन इसके बाद चाणक्य ने कैसे अपनी बेइज्जती का बदला लेते हुए मगध में धनानंद को हटाकर चंद्रगुप्त मौर्य को अखंड भारत का पहला राजा बनाया, ये हम जानेंगे अगले एपिसोड में।
दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आए।